हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल डुपचिक साइंस। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है और ऐसा पढ़ेंगे फिर नहीं बोलने वाले, बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट चलेंगे अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपको बता दिया जाता है कि बेचा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखिए, केमिकल रिएक्शन होता है जो केमिकल चेंज आपने देखा होगा, जिसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हो, उन सभी चेंजेस को केमिकल चेंजेस के नाम से जानते हैं। जैसे कि सेटिंग ऑफ कर्ड, दूध से दही में बदल जाना, ये क्या है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है। जो आपको पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि लैक्टोबैसिलियस नाम का बैक्टीरिया उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जिससे जो दूध है वो दही के अंदर बदल जाता है, यानी कि जो मिल्क है वो कर्ड के अंदर सेट हो जाता है। क्लियर है? तो इसी केमिकल्स को आगे बढ़ा के केमिकल रिएक्शन यहां आपको दिख रहा है। बच्चा, अगर दो केमिकल मिलकर, अगर दो केमिकल या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, केमिकल जब इंटरेक्ट होते हैं तो नए केमिकल बनाते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। आप इसको नोट्स खुद बना सकते हैं, यहां पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपको ये माइंड में फिट होना जरूरी है चैप्टर। ठीक है, नोट्स आप अपने खुद बनाओ। देन केमिकल इंटरेक्ट्स, देन न्यू केमिकल आर फॉर्म्ड, एंड दिस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, हाइड्रोजन react with oxygen and formed water, and formed water। यहां देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो केमिकल्स हैं, एक नया केमिकल कंपाउंड बना रहे हैं, दैट इज वॉटर। ऐसी चीजों को हम बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन, when केमिकल इंटरेक्ट एंड न्यू केमिकल्स आर फॉर्म्ड। इज दैट क्लियर? अच्छा, एक और वर्ड यहां पर दिख रहा है कि इक्वेशन क्या है, यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या है। फिर अगर इसी चीज को देखिए, मैं एक और फॉर्म में लिख देता हूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, दिस इज फॉर्म्ड वॉटर। तो ये आपको दिख रहा होगा, मैंने उसी का केमिकल रिएक्शन का एक सिंबोलिकल प्रेजेंटेशन दे दिया है, या फिर इसको आप मैथमेटिकली प्रेजेंटेशन भी कह सकते हो, यानी कि सिंबोलिकली और मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। तो क्लियर है बच्चा, क्या केमिकल रिएक्शन और क्या केमिकल इक्वेशन है? ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आप बात करते हैं इसके बारे में बहुत जबरदस्त तरीके से, ये ध्यान से देखिए, आपको इक्वेशन आपको दिख रही है। क्वेश्चन अपना बनेगा, हाउ टू रिप्रेजेंट केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो आप कोई और एग्जांपल नहीं लेंगे, इस सिंपल एग्जांपल से हमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। देखते जाओ, यहां आपको हाइड्रोजन दिख रहा है, यहां आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, ये दोनों चीजें देखिए, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है? दोज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और ये देखिए, ये इस रिएक्शन के दौरान बना है, तो दोज एलिमेंट और कंपाउंड विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन आर नोन एज प्रोडक्ट। इनको क्या बोलते हैं बेटा? प्रोडक्ट बोलते हैं। देखिए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को एक एरो साइन से, ये एक एरो का साइन है, इससे अलग किया जाता है बच्चा। और हमेशा प्रोडक्ट को हमेशा एरो के हेड की साइड लिखा जाता है, और रिएक्टेंट को हमेशा एरो के टेल की साइड लिखा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, रिएक्टेंट आर रिटर्न टुवार्ड द टेल ऑफ द एरो एंड प्रोडक्ट आर रिटर्न टुवार्ड द हेड ऑफ द एरो। इज दैट क्लियर? ओके, आगे और देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर दो या दो से ज्यादा आपके रिएक्टेंट हो तो उनको प्लस साइन से आप अलग करके दिखा सकते हैं। देयर आर टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट, देन दीज आर सेपरेटेड बाय द प्लस साइन। इसी तरह अगर आपके प्रोडक्ट भी दो या दो से ज्यादा बन रहे हैं तो हम उनको भी, सपोज दैट यहां सी डी कोई और प्रोडक्ट बन गया, दिस विल बी सी एंड डी, तो ये क्या होगा, इनको भी हम प्लस साइन से अलग करके दिखा सकते हैं कि ये हमारा अलग प्रोडक्ट है, ये हमारा अलग प्रोडक्ट है। ठीक है, जैसे इसके लिए एक बात करते हैं, H2O2H2। ठीक है, ये क्या बन रहा है बार बार, अपना दो रिएक्टेंट है तो उनको प्लस के साइन से अलग दिखा रहे हैं। इसी तरह एक प्रोडक्ट, एक और देखिए केस, CaCO3, ये मान लो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट है। तो देखिए, दो प्रोडक्ट को भी हम प्लस के साइन से अलग कर रहे हैं, जरूरी दो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट क्या है,
रिएक्टेंट को कहाँ लिखा जाएगा, प्रोडक्ट को कहाँ लिखा जाएगा, इनको एरो साइन से अलग किया जाएगा, किस तरीके से दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को आप स्प्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को आप स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा इस चैप्टर में टॉपिक आएगा वो आएगा हाउ टू बैलेंस, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चा, यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए बुक में ये 7 स्टेप्स में करवा रखा है, हम एक बार उस स्टेप से ही डिस्कस करेंगे इसको, बाद में वन बाय वन करके हम थोड़ा रैपिड इसको करना सीख जाएंगे। और आपके जब एग्जाम में आएगा, अगर बहुत ज्यादा नंबर में चैप्टर आ रहा है, बहुत ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आता है कि भाई विद एन एग्जाम्पल एक्सप्लेन बैलेंस इक्वेशन, अगर ऐसे आता है कि एक एग्जाम्पल लेके या 3 या 4 में है, तो आपको 7 स्टेप से करना पड़ेगा, अदरवाइज 1 नंबर में तो आप बहुत अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से भी कर सकते हो जो भी डिस्कस करते हैं। देखिए सपोज दैट हमने एक, आप स्टेप बाय स्टेप करोगे, मैं डायरेक्ट यहां पे आपको कुछ करके दिखाता हूं। ये सपोज दैट Fe प्लस H2 एरो Fe3O4 प्लस H2, ये हमारा एक रिएक्शन है। अभी ये बैलेंस नहीं है, अभी ध्यान से देखो, यहां Fe एक ही है, यहां Fe आपको 3 दिख रहा है। और ऐसी अनबैलेंस इक्वेशन को हम स्केल्टल इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं बच्चा, याद रखो अनबैलेंस इक्वेशन क्या है, स्केल्टल इक्वेशन है। फिर से एक बार बोल दो, अनबैलेंस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, स्केल्टल इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, आ जाता है कई बारी कि एक बैलेंस जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नहीं होता नंबर ऑफ प्रोडक्ट को, ऐसी इक्वेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपको अनबैलेंस भी मिल सकता है, ऑप्शन में आपको स्केल्टल भी मिल सकता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं हम इसको बैलेंस क्यों कर रहे हैं। सर आप हमें ये तो पढ़ा रहे हो कि बैलेंस कैसे करते हैं, लेकिन आप हमें ये पढ़ा क्यों रहे हो। तो बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है आपको क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डिस्ट्रॉयड, इज दैट क्लियर। तो यहां अगर देखा जाए तो हमने यहां लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की तो धज्जियां उड़ा रखी है भैया, उड़ा रखी है, नहीं उड़ा रखी। यहां देखो एफ कितना, 1, यहां एफ कितना, 3, कहां गया फिर दो पार्टिकल, कहां गए भाई, कहां से आए दो पार्टिकल एफ के प्रोडक्ट के अंदर, धज्जा उड़ा दी ना। इसीलिए हमें बैलेंस करने की जरूरत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर कोई असर नहीं आना चाहिए भैया। यहां देखिए ध्यान से कैसे करते हैं, सबसे पहले इनको पहले स्टेप के अंदर एक बॉक्स के अंदर ऐसे पैक कर देते हैं, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत तो नहीं है एक स्टेप में, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो हो गया हमारा, स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो हो गया। अब स्टेप नंबर टू में आपको देखना है कि आपके पास एलिमेंट कौन कौन से हैं, फिर उनमें रिएक्टेंट की संख्या कौन कौन सी है, फिर उनमें प्रोडक्ट की संख्या कितनी कितनी है, रिएक्टेंट की संख्या कितनी और प्रोडक्ट की कितनी। एलिमेंट हमारे पास एक तो Fe है आयरन, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और एक है हमारे पास ऑक्सीजन, ये 3 हमारे पास एलिमेंट है। तो यहां सबसे पहले रिएक्टेंट में चेक करते हैं Fe कितना रिएक्टेंट में, बच्चा Fe 1 है, और यहां हाइड्रोजन कितना रिएक्टेंट में, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना रिएक्टेंट में, ऑक्सीजन 1 है। यहां Fe को चेक करो, Fe कितना, 3, ऑक्सीजन कितना, 4, हाइड्रोजन कितना, 2। ये हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम अपने थर्ड स्टेप पे बच्चा, थर्ड स्टेप में हम ध्यान से देखते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट में कौन बना हुआ है। यहां ध्यान से देखो तो यहां तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है और रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 1 ही है, तो 1 को 4 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 × 4 भाई 4 बन जा 4। तो यहां देखिए ऑक्सीजन यहां है, तो इसके आगे थर्ड स्टेप का काम कहानी शुरू होगी। आप क्या करोगे, आगे की इक्वेशन में यहां करके दिखा रहे Fe प्लस H2O बॉक्स में रखना है अभी इनको, और यहां आपको 4 लगाना है Fe3O4 प्लस H2। ध्यान से देखते जाओ, आपको टिल द एंड 101% समझ में आने वाला है। ओके, और उसके बाद हम एक क्वेश्चन की ओर प्रैक्टिस कर लेंगे। तो यहां बच्चा अभी तक ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है आपको, Fe दिख रहा है सर, यहां Fe कितना है, 1 है, यहां Fe कितना है, 3 है। 1 को 3 बनाने के लिए क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगले ये अपना नेक्स्ट फोर्थ स्टेप है, यहां आपको 3 से मल्टीप्लाई करना नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, अगर ज्यादा नंबर में आता हो। 3 Fe 4 H2O और ये बन गया, अब हमारा सिर्फ हाइड्रोजन रहेगा। तो यहां तो हाइड्रोजन बैलेंस दिखा रहा है, पर हमने वहां कुछ ऑपरेशन ऑलरेडी अप्लाई कर दिए, तो क्या उसके अकॉर्डिंग दोनों इक्वल है, चेक करते हैं। यहां हाइड्रोजन हमारा 8 है, 4 × 8, लेकिन यहां तो हाइड्रोजन 2 ही है। तो आपको फिफ्थ स्टेप में क्या करना पड़ेगा, आपको फिफ्थ स्टेप में हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा, इज दैट क्लियर। नाउ दिस विल बी 3 Fe
एंड फोर एच टू ओ, एरो एफ ई थ्री ओ फोर, और यहां हो गया हमारा हाइड्रोजन बैलेंस। यह हमारा हो गया फिफ्थ स्टेप। सिक्स स्टेप में बच्चा आप इनको सबको इस बॉक्स से बाहर निकालो, यह बनेगा आपका थ्री एफ ई प्लस फोर एच टू ओ, एरो एफ ई थ्री ओ फोर प्लस फोर एच टू। तो ये आपका फाइनली एक बैलेंस इक्वेशन है। सर ये तो छह स्टेप हुए, सेवन स्टेप कौन सा है? सेवन स्टेप में बेटा हमें इनकी स्टेट देनी पड़ती है। जैसे आयरन आपका कौन सी स्टेट में है? एग्जैक्टली ये आपका सॉलिड रहेगा, ये आपका लिक्विड रहेगा, और ये आपका Fe3O4 क्या? कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो। हाइड्रोजन तो आपको पता ही है गैस है। अच्छा Fe3O4 क्या है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दो भाई क्या है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो आप इनकी स्टेट को ऐसे नीचे दे सकते हो, जैसे जो सॉलिड है सॉलिड दे दो, जो गैस है वो गैस दे दो, ऐसे। ये आपका सेवन स्टेप रहता है, ठीक है? आप उनकी स्टेट को डिस्क्राइब करो। चलिए एक क्वेश्चन को और लेते हैं और फटाफट बैलेंस करते हैं, बच्चा। तो आपका फेवरेट एग्जांपल ले लेते हैं आप, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आता है क्योंकि आपने सुन बहुत बार रखा उसको। हाइड्रोजन वाले रिएक्शन को आप बैलेंस करके चेक करते हैं, ठीक है? चलो चेक कर लेते हैं क्या बैलेंस करना अभी आया या नहीं आया। अब बताता हूं मैं आपको, अगर ये बहुत सिंपल तरीके से या एक नंबर में आ जाए तो आपको कैसे करना है। देखो H2 प्लस O2 और यहां हमारा बन गया H2 यानी कि वाटर। यहां हमने देखा भाई एलिमेंट डायरेक्ट, अब आपको डायरेक्ट करना है एलिमेंट तो दो ही, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या हाइड्रोजन दो है या ऑक्सीजन दो है, यहां चेक किया हाइड्रोजन कितना दो ऑक्सीजन कितना है। तो सबसे पहले आप दो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है? तो यहां दो मल्टीप्लाई करती है। अब बाकी बचा हमारा हाइड्रोजन, दो दूनी यहां तो हाइड्रोजन चार है बट यहां तो हाइड्रोजन दो है, तो दो लगा दिया। फाइनल हमारी बैलेंस इक्वेशन बन गई 2H2 प्लस O2 एंड 2H2। दो दूनी चार, दो दूनी चार हाइड्रोजन है और यहां पर दो ऑक्सीजन और यहां पर भी हमारा दो ऑक्सीजन। नाउ इट इज बैलेंस। तो क्यों किया हमने बैलेंस, और इस इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन क्यों कहते हैं आपको पता चल गया। और डेफिनेशन आ गई बैलेंस इक्वेशन की, तो क्या लिखोगे? इफ इन ए रिएक्शन नंबर ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, क्लियर, देन रिएक्शन इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन। इक्वेशन इज नोन एज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है? तो ये आपका हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन का टॉपिक क्लियर हुआ, जहां से क्वेश्चन आता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं बच्चा। इस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और यहां हमें मेनली 10 रिएक्शंस को डिस्कस करना है। उसके बाद दो छोटे छोटे आपके टॉपिक है रेंसिलिटी और क्लोजन, और चैप्टर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर, बस देखते चले जाओ। हाँ वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है बट आपको क्लियर करना है इसको, आप देखते जाओ क्लियर होती जाएगी। आप चार प्रकार की रिएक्शन को डिस्कस कर लेंगे अभी फिलहाल के लिए, देखते जाओ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, और रिएक्शन में से एक चांसेस पूरे पूरे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखो। या हम डिस्कस कर लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या हम डिस्कस करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन को, या डिस्प्लेसमेंट, और या डबल डिस्प्लेसमेंट। चलिए कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चा? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना, जुड़ना। ध्यान से देखिए, अगर मान लो ये एक रिएक्टेंट है, ये एक और रिएक्टेंट है, ये एक और रिएक्टेंट है, अगर ये रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक ही प्रोडक्ट बना दे, ये लो एक ही प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कितने हैं? तीन रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने हैं? एक ही प्रोडक्ट हमारे सामने आया, ठीक है? ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इफ इन ए रिएक्शन, अगर किसी रिएक्शन के अंदर टू एंड मोर देन टू रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड टुगेदर जुड़ जाते हैं एंड फॉर्म द सिंगल प्रोडक्ट, और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपका फेवरेट एग्जाम्पल बार बार ले रहे ये लोग, दो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट एक ही बना, जरूरी तो दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो बट प्रोडक्ट हर केस में एक ही होना चाहिए। अच्छा एक और एग्जांपल, एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड
H2O, एरो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब आपका क्या कहना है? अरे बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है भाई साहब, बिल्कुल ये कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है और ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल यहां लिखा। याद करो इस एग्जांपल के बारे में एक खास बात आपको बताने वाला हूं। ये एनर्जी है, एनर्जी इस रिएक्शन के दौरान निकला, कोई स्पेशल प्रोडक्ट नहीं बना। इस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी बन रहा है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं, इस रिएक्शन को इसीलिए एक्सोथर्मिक, ये दोनों का एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक प्लस कॉम्बिनेशन, ये दोनों रिएक्शन का एग्जांपल है। और एग्जामिनर इससे पूछ लेता है तो आपको बहुत अच्छे से इसको आंसर को इसको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। तो ये बाकी वैसे इतना डीप है नहीं, अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप सिंपल से पढ़ो, बाकी इसको याद रखना, ठीक है भाई। देखो जितना पढ़ोगे उतना मजा है, जितना पढ़ोगे उतना मजा है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करो कि यहां पर क्या है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एनर्जी निकले तो एक और रिएक्शन बन जाता है एक्सोथर्मिक, वो हम आगे पढ़ेंगे जब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, दैट्स इनफ, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी अपने माइंड में इतनी बात रखो। नेक्स्ट वी हैव डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए डीकंपोज का मतलब होने में था कोई चीज टूट जाना, टूटना, डीकंपोज का मतलब होता है टूटना, ठीक है। और यहां देखिए ध्यान से देखिए, ये हमने ले लिया एक रिएक्टेंट और इसको कर दिया हीट, हीट करने के कारण ये टूट गया दो प्रोडक्ट के। तो अब की बार देखो क्या हो रहा है, रिएक्टेंट कितना एक, प्रोडक्ट कितने दो, ऐसा नहीं है दो ही प्रोडक्ट, दो से ज्यादा भी बन सकते हो, तीन चार पांच कितने भी बने, बट हमें रिएक्टेंट से मतलब है ना, रिएक्टेंट सिंगल। इफ इन ए रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्लियर। इफ इन ए रिएक्शन सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू टू एंड मोर देन टू प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो ये आप लिख सकते हो साथ के साथ भाई, नोट्स खुद के खुद बनाओ, किसी पे डिपेंड मत रहो, ठीक है। बुक पढ़ो, इसके बाद वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, बुक पढ़ो, बस इससे अलावा कोई गाइड नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये है आपका डिकम्पोजिशन का। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल है अपनी बुक के अंदर, जैसे कि इसमें हीट दिया तो डिकम्पोजिशन तो ये है, बट इसको प्रॉपर नाम दे दिया, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। एक और देखिए, H2O है, इसको करंट दिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो गया, बैलेंस अब आप अपने आप कर लोगे, ठीक है, बैलेंस आपको करना सिखा रखा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो गया, यहां पर भी सिंगल रिएक्टेंट था, ब्रेक डाउन हो गया, है तो डीकंपोजिशन, बट क्योंकि करंट दिया है इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, यानी कि डीकंपोजिशन तो यह रहना ही रहना है, बट डीकंपोजिशन की भी एक स्पेशल कैटेगरी है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इसी के साथ आपकी बुक में एक और है, दैट इज फोटो लाइटिक डीकंपोजिशन, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फोटो मतलब लाइट, अगर लाइट देने से कोई किसी रिएक्टेंट का डीकंपोज हो गया, यानी कि वो जो रिएक्टेंट है वो ब्रेकडाउन हो गया, टूट गया, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन। फटाफट बुक पढ़ो और बुक में मेरे को इसका जो एग्जाम्पल दिया हुआ उस एग्जाम्पल को कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि पता तो चले आप पढ़ता कितने हो गई। नेक्स्ट, या हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। भाई ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो क्या होता है इसके अंदर। इसमें एक ताकतवर बंदा रहता है और एक बेचारा कमजोर बंदा रहता है, और वो ताकतवर बंदा उसके पास जाता है और कहता है ओए जो भी तेरे पास है सब माल निकाल, और वो जो बेचारा वीक बंदा होता है वो डर के उसको सारी चीजें दे देता है और ये रह जाता है बेचारा अकेला। यानी कि ताकतवर बंदे के पास जितना भी सामान था, उन ताकतवर बंदे के पास कुछ नहीं था, लेकिन कमजोर बंदे के पास बहुत सामान था, और जो ताकतवर बंदा था उसने उस सामान को अपने पास ले लिया और उसको कर दिया अपने सामान से डिस्प्लेस। ऐसी रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट। क्या सर क्या बोल रहे, समझ नहीं आया एक्सैक्टली, देखो भाई अभी समझ आ जाएगा। ये भाई साहब है कॉपर और इसके साथ अपने सॉल्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है SO4 के साथ, इसके अंदर आपने डाल दिया थोड़ा सा Fe, Fe है ताकतवर,
ये एफ ई क्या करेगा, एफ ई एसओ फोर को अपने पास ले जाएगा, ये लेगा, और कॉपर भाई साहब को कर दिया डिस्प्लेस क्योंकि यह ज्यादा ताकतवर है। इफ इन ए रिएक्शन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है, डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा थ्रू देयर सॉल्यूशन, उसी के सॉल्यूशन से, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? इसके अंदर बस एक छोटी सी बात जरूर ध्यान रखो, बिल्कुल रखनी पड़ेगी, सीयू सीयू से ताकतवर है एफ ई, एफ ई से ताकतवर है जेड एन, ठीक है? इन तीनों में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है, ठीक है? तो कॉपर से ज्यादा ताकतवर है एफ ई, एफ ई से ज्यादा ताकतवर है जेड एन, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो अगर मान लो वो एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे कि जेड एन एसओ फोर प्लस सीयू, तो क्या सीयू तो पहले ही कमजोर था रे, ये क्या करेगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी भाई, ठीक है? क्लियर है? ओके, नाउ वी हैव डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों बंदों के पास, दो बंदे होते हैं इसमें भी, दोनों के पास कुछ ना कुछ रहता है। ये कहेगा मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तू रख। वो कहेगा मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, तू रख। या दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करके अपना काम चलाते हैं। देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। यहां हमारे पास है Na2SO4 और ये है BaCl2, सोडियम सल्फेट और बेरिलियम क्लोराइड। अब सोडियम भाई साहब कहता है मेरे को क्लोरीन की जरूरत है, ले भाई तू क्लोरीन को पकड़। और ये भाई साहब बेरिलियम कहता है मेरे को यार अपना सल्फेट दे, ये बेरिलियम सल्फेट। ये आपके रिएक्शन को मैंने बैलेंस भी कर दिया, ठीक है? टेंशन मत लेना भाई, बस हाँ Na2 था, Cl2 था, मैंने डायरेक्ट देखा तो NaCl BSO4 ऑलरेडी वहां पर है। तो ऐसी रिएक्शन, इसमें क्या लिखूंगा, इसकी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, एक लाइन की डेफिनेशन, कोई लंबी चौड़ी राम कहानी नहीं लिखनी। इफ इन ए रिएक्शन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, क्या बोला मैंने, इफ इन ए रिएक्शन म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस, दिस रिएक्शन इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है? क्लियर है बच्चा? ओके 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 ओके। अब बात करते हैं एक जबरदस्त रिएक्शन की, जो कभी कभी डिफरेंस के तौर पर आ जाती है। ये रिएक्शन वही है जो दो मिनट पहले मैंने आपको बताया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एक्सोथर्मिक का जहां नाम आए वहां एंडोथर्मिक को मत भूलना, यानी कि ये रिएक्शन काफी बार साथ में आई हुई है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक, कैसे आती है? तो आप इसको डिफरेंस के ही तरीके से कर लेंगे, हम इसको डिफरेंस के ही तरीके से कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये लीजिए, यहां हम समझेंगे हमारा एक्सोथर्मिक को, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, या हम समझेंगे अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन को। टॉपिक में टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखना है बिल्कुल, बस क्लियर हो जाएगा। नोट्स बनाओ, बुक पढ़ो भाई। देखो एक्सोथर्मिक को बेटा, एक्सोथर्मिक को, एक्सो का मतलब होता है चल भाई, एग्जिट हो जा, थर्मिक यानी कि हीट या एनर्जी कह लो। तो अगर किसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो जाती है तो हम कहेंगे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। एग्जैक्टली तो उस रिएक्शन में हुआ था, अभी यहां मैं एक और रिएक्शन ले रहा हूं, चलो एक बार उससे समझ लो। ये हमारा क्या था, जहां हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, H2O से रिएक्ट करा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और साथ में एनर्जी तो निकल रहा था बेटा। तो क्या हो गया, एनर्जी रिलीज हो रहा है। इफ इन ए रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड, देन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है, कब, जहां प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट के साथ रिलीज होनी चाहिए भाई, ठीक है, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इफ इन ए रिएक्शन एनर्जी इज रिलीज्ड विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जब हम रेस्पायर करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन, जब हम सांस लेते हैं ना, तो भी हमें एनर्जी मिलती है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एनर्जी से, वो एनर्जी कैसे आई, रेस्पिरेशन से। बायो में पढ़ेंगे, बायो में पढ़ेंगे, बायो भी इसी चैनल पे आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, तो सारे वीडियो पसंद आ रही हो। यहां देखो रेस्पिरेशन, C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वाटर बन गया और साथ में हमको मिल गया एनर्जी।
तो देखो रेस्पिरेशन क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इज रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? यस, रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज एनर्जी इज रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इज दैट क्लियर? और ये रहा आपका एग्जांपल। अब बात करते हैं बेटा एंडोथर्मिक की। ये अमीर था, ये एनर्जी देता चलता है, ये गरीब है, इसको एनर्जी चाहिए बेचारे को, ये गरीब है यार एंडोथर्मिक। ध्यान से देखो कितना गरीब है। ज्यादा नए एग्जांपल के चक्कर में नहीं डालेंगे आपको, पुराना एग्जांपल उठाते हैं जो हमने पढ़ दिया। कैल्शियम कार्बोनेट उठाया, इसको देखो हीट दिया तभी ना टूटा, हीट दिया तभी तो ये टूटा, तो इसने एनर्जी को पहले ही ले लिया, गरीब है बेचारा। क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। देखो तो क्या लिखोगे, इफ इन ए रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, यानी कि प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं जब तक आप एनर्जी नहीं देते, ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। इफ इन ए रिएक्शन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, देन रिएक्शन इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहानी समझ में आ रही है? ओके, नेक्स्ट वी हैव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यही समझ लेते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन तो देखिए बच्चा क्या होता है, प्रेसिपिटेट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, उनको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और पानी में ना घुलने वाले सब्सटेंस को बोला जाता है इनसोल्यूबल सब्सटेंस। क्या बोला? बोलो भाई, ये पीछे वाले बोलो यार तुम। यस, इनसोल्यूबल सब्सटेंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में बोला जाता है मतलब के जो प्रेसिपिटेट होते हैं जो पानी में नहीं घुलते, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इनसोल्युबल सब्सटेंस। और किसी रिएक्शन में इनसोल्युबल सब्सटेंस बन गया तो हम ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इफ इन ए रिएक्शन इनसोल्युबल सब्सटेंस आर फॉर्मड, देन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल दे दू, Na2SO4 प्लस VaCl2, ये बना अपना NaCl प्लस VaSO4। तो क्या हम ऐसे कर आएंगे? तो सर नंबर मिलेंगे, अभी काटने के चांसेस है। इसको आप ऐसे करो, प्रेसिपिटेट को सिंबल से ऐसे दिखाते हैं, या अगर आप ऐसे नहीं करते तो इसके नीचे लिख के आओ PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट, तब जाके आपको पूरा नंबर देगा आंसर, ठीक है, वरना वो नंबर आपके काट लेगा। तो ये आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि ये यहां पर इनसोल्युबल सब्सटेंस है जो पानी में नहीं घुलता, प्रेसिपिटेट बन गया, ठीक है। या सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हो कि इन ए रिएक्शन प्रेसिपिटेट आर फॉर्म, दैट रिएक्शन इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास तीन बेहतरीन रिएक्शन है, और बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि जो तीन रिएक्शन हमारी है वहां एग्जामिनर का दिमाग घूमता है, और एग्जामिनर उन रिएक्शन को जरूर पूछना पसंद करता है बच्चों से, और बच्चों ने वो बहुत ध्यान से पढ़ी होती है, पर लास्ट टाइम पे जाकर या तो उसको एक्सप्लेन करना भूलते हैं या उसके एग्जाम्पल में फंसल रहते हैं। तो यहां बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेशन को सारा गया भाई, सारा गया। पानी वाली बात बात मत करो आपस में, ना पानी भी हम नहीं पीना, कुछ भी नहीं करना यार, बाहर भी नहीं जाना, यहां ध्यान से देखो बस। यहां हम करेंगे ऑक्सीडेशन को, यहां हम कर लेंगे रिडक्शन को, और यहां हम समझने वाले हैं बेटा रिडोक्स को। अच्छा, रिडोक्स का एक और नाम बता देता हूं आपको, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये देख लेना आप, ऐसे लिखा हो तो ऐसे मत कर देना कभी, रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन को चिपकाया और आके कहो कि सर हमारा ठीक है। ऑक्सीडेशन को देखो बेटा, ऑक्सीडेशन अगर किसी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन जुड़ गया या हाइड्रोजन हट गया, अगर किसी रिएक्शन में या तो ऑक्सीजन जुड़ जाता है या हाइड्रोजन हट जाता है, ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इफ इन ए रिएक्शन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस, देन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिए, यहां हमारे पास कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन लिया, यहां बन गया वाटर और कॉपर का ऑक्साइड हो गया। यहां देखो बच्चा, ध्यान से देखो, हाइड्रोजन के अंदर
H2O जुड़ रहा है, सॉरी ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहां हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर है? ये बहुत ध्यान से आपको बुक में से पढ़ना है, यहां भी देखो समझ में आ जाएगा आपको, इसके बाद बस एक बार बुक को रिवाइज कर लेना बस। तो यहां हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन भाई साहब हो गया यहां ऑक्सीडाइज। अब एक और देखिए यहां रिडक्शन को देखते हैं। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाए और ऑक्सीजन हट जाए, इफ इन ए रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस, दैट रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। देखिए अगेन वही एग्जाम्पल रखो, उसी से हमारी कहानी सोल्व हो रही है। बुक में और भी एग्जाम्पल है भाई, देख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, यहां ऑक्सीजन हट रहा है नहीं हट रहा बच्चा, तो हमें यही तो चाहिए, ऑक्सीजन हट गया तो रिडक्शन हो गया, तो यहां क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट पे चलो, रिडॉक्स पे, दो शब्दों से बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन के नाम से भी आ सकता है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ होते हो तो ऐसी रिएक्शन को हम कहेंगे ये रिडॉक्स रिएक्शन है। इफ इन ए रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, देन द रिएक्शन इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल्स अरे, ये देखो, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन, वॉटर, कॉपर आयन। यहां अभी तो पढ़ के आए, क्या हो गया ऑक्सीडेशन हुआ है सर यहां तो, और यहां क्या हो गया रिडक्शन हुआ है सर यहां तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में हो रहा है, तभी ना ये रिडॉक्स है, तभी तो रिडॉक्स हो जाए। दो छोटे छोटे टॉपिक और रह गए हमारे, यहां रह गया हमारा कोरोजन जिसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं बच्चा, और यहां रह गया हमारा रेसिन। कोरोजन देखिए क्या होता है बच्चा, जितने भी मेटल्स होती है बेटा वो मॉइस्चराइजर से, एयर प्लस वाटर मिलकर मॉइस्चर को क्रिएट कर देते हैं, मॉइस्चर से या फिर एसिड से अटैक होकर हो जाती है क्रोड, और इस प्रोसेस का नाम है क्रोजन। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा लोहे को जंग लग जाता है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्रोजन का ही एग्जाम्पल है। किस तरह से लिख सकते हैं सर, आप सिंपल भाषा में लिख सकते हो, मेटल आर अटैक्ड बाय एसिड, वॉटर एंड एयर, दैट मेटल्स आर क्रोड एंड द प्रोसेस इज नोन एज क्रोजन, फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सर बचाएंगे कैसे, आपने बच्चा घरों में देखा होगा किस तरीके से जो अपने साइकिल के चैन कवर होते हैं हम उनको बीच में खुद भी ग्रीस करते हैं या कहीं ग्रीस करवाने लेके जाते हैं, तो बाय ग्रीसिंग, अच्छा कभी कभी ऑयल करते हैं हम बाय ऑयलिंग, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि पेंट करते होते हैं हम दरवाजों को, जितनी भी लोहे की चीजें हम जरूर पेंट करते हैं, तो बाय पेंटिंग। ऐसा करने से वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते बेटा एयर और वॉटर के, इससे क्या हो जाएगा, इससे वो करोड़ होने से बच जाते हैं। क्लियर? इस तरह हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी है बच्चा जितने भी अपने ऑयली फूड होते हैं, ऑयली फूड, ये एयर से, वॉटर से, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हो जाते हैं ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि वहां ऑलरेडी वहां मॉइस्चर होता है, ठीक है, अपने एटमॉस्फेयर। तो ये हो जाएगा बेटा ऑक्सीडाइज्ड, और इनकी स्मेल और टेस्ट के अंदर आ जाएगा चेंज। व्हेन ऑयली फूड आर ऑक्सीडाइज्ड देन देयर इज अ चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज रेंसिडिटी। तो सर कैसे बचाएंगे इनको, एक तो आपने अक्सर देखा होगा, वैसे भी नहीं देखा तो आज जान लो, जितने भी ऑयली फूड है जो अपने बादाम वगैरह है उनको एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, वैक्यूम बॉक्सेस में रखना चाहिए जिनमें हवा जा ही ना सके, एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए बच्चा। तो वी हैव टू कैप ऑयली सीड्स या ऑयली फूड इन एयर टाइट कंटेनर। नेक्स्ट अगर बात करें
तो चिप्स कुरकुरे का पैकेट आपने देखे होंगे, आप लेके आते हो मार्केट से और फिर आपके घरों में अक्सर बातें चलती होगी, अरे यार आधी से ज्यादा तो इसमें हवा भरी है। वो बच्चा भरी होती है नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो ये नाइट्रोजन गैस क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट, नाइट्रोजन इज एंटीऑक्सीडेंट, और ये ऑक्सीजन को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देता ऑयली फूड से। वो सारे ऑयली फूड वाले में ही आपको मिलेगा, ठीक है? तभी जब आप उसको खोलते हो तो आपको आधी से ज्यादा वहां नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है और फिर आप उसको ईट करते हो ताकि ये रेंसीड ना हो, इसकी स्मेल और टेस्ट के अंदर चेंज आए। तो दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर गाइस। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू, टाटा, बाय।